हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माँ, मैं एक गंभीर समस्या के समाधान के लिए आया हूं, मेरा मार्गदर्शन करो माता। बहुत अस्थिर चित से बात कर रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है वत्स? बड़े भैया महाराज रावण ने मुझे देश निकाला दे दिया है। रावण ने तुम्हें देश निकाला दे दिया है, क्यों? आज दरबार में उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया। क्यों? मैंने अपने मतानुसार उन्हें परामर्श दिया कि प्रथम तो सीता का हरण करना ही उचित नहीं था। एक पर स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर में रखना धर्म विरुद्ध है। वो पतिव्रता स्त्री है माँ, इस पाप के कारण लंका का विनाश हो जाएगा। उधर श्री राम किष्किंधा के महाराज सुग्रीव की सहायता से एक विपुल वानर सेना को लेकर लंका की ओर बढ़ रहे हैं, और इधर हमारे मंत्री उन्हें परामर्श दे रहे थे कि राम और लक्ष्मण की कोई चिंता न करें, हमारे राक्षस सेना सहित उनका अंत कर देंगे। परंतु मैंने उन्हें कहा कि जिनका दूत हनुमान अकेले ही सारी लंका को जलाकर राख कर गया है, उनकी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। एक स्त्री के लिए किसी शक्तिशाली शत्रु से लड़ाई नहीं मोल लेनी चाहिए। हमें देवी सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। उन्हें यह मत नहीं भाया, मैंने अपना मुकुट उनके चरणों में रख दिया कि भैया केवल अपने हट के लिए लंका का विनाश न करो। परंतु उन्होंने पैर की ठोकर से मेरा मुकुट दरबार में फेंक दिया और मुझे लंका से निकाल दिया। ये रावण ने अच्छा नहीं किया, परंतु इसके पश्चात तुम्हारे लिए और कोई उपाय नहीं है। राजा की आज्ञा है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मां, इस समय ये संकट उन पर तो आया ही है, परंतु उनके कारण सारे देश पर संकट की छाया पड़ रही है। ऐसे समय में मैं अपने देशवासियों को संकट में छोड़कर कैसे चला जाऊं? अपनी प्रजा के प्रति सारे राजकुल का उत्तरदायित्व होता है, इस समय जाने से देशद्रोह नहीं होगा? यदि यहां रहकर तुम प्रजा की रक्षा कर सको तब तो तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा, परंतु यहां रहकर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि रावण तुम्हें यहां स्वतंत्र नहीं रहने देगा। इसलिए पहला कार्य तो ये करो कि अतिशीघ्र यहां से चले जाओ। लंका से बाहर जाकर सोचो कि तुम लंका की निर्दोष प्रजा की रक्षा कैसे कर सकते हो, किसकी सहायता लेकर कर सकते हो। मेरे मंत्रियों और मित्रों का मत है कि मुझे स्वयं श्री राम के पास जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि उनका बैर रावण से है, उनके कारण लंका की निर्दोष प्रजा को दंड न दिया जाए। विचार अच्छा है, परंतु परंतु क्या मां? परंतु इसमें बहुत संकट है। क्या? श्रीराम तुम्हें क्यों अपनाएंगे? तुम शत्रु के भाई हो, इसलिए नीति अनुसार उन्हें तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें तुम्हारे साथ वही बर्ताव करना चाहिए जो वो रावण के साथ करेंगे। तो दूसरा उपाय क्या है? क्या मैं लंका छोड़कर साधु हो जाऊं, किसी गुफा में बैठ जाऊं और अपने देश का नाश होने दूं? नहीं, वो अकर्मण्यता होगी। जिसका देश संकट में हो उसे ये नहीं सुहाता। फिर? तुम्हारे मंत्री ठीक कहते हैं, तुम्हें प्रजा हित के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाकर भी श्री राम के पास चले जाना चाहिए, या तो वो तुम्हें शत्रु पक्ष का समझकर मृत्युदंड दे देंगे, और इस बलिदान से राजकुल में उत्पन्न होने के अपने उत्तरदायित्व से तुम मुक्त हो जाओगे। यदि वो एक बार तुम्हें वचन दे देंगे तो फिर कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि रघुकुल वाले अपने वचन के बड़े पक्के होते हैं। प्राण दे देंगे परंतु अपना वचन झूठा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता
महर्षि विश्रवा के कथन सत्य होने का समय आ गया है। कौन सा कथन मां? जब वो हिमालय जा रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा था, देवी तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र रावण का विनाश काल आरंभ हो गया है। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विष्णु ने रघुकुल में अवतार ले लिया है। अब समय आने पर उनके द्वारा रावण सहित राक्षसों का संहार हो जाएगा। स्वामी, क्या एक रावण के कारण हमारा सारा कुल और राक्षसों का यह उन्नत समाज विनाश को प्राप्त हो जाएगा और पितरों को जलांजलि देने वाला भी कोई नहीं रहेगा? कैकसी, तुम्हारा छोटा पुत्र विभीषण अपनी जाति का उद्धार करेगा। उसी के द्वारा उन राक्षसों की रक्षा होगी जो अधर्म के मार्ग से हटकर प्रभु की शरण में जाएंगे। सो पुत्र, मुझे उनकी भविष्यवाणी सत्य होती दिखाई दे रही है। तू यहां से सीधा श्री राम के पास चला जा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मां, एक बार फिर अपने बड़े भैया से प्रार्थना करके देख लूं, कदाचित उनका क्रोध इस समय शांत हो गया हो और वो मेरी बात सुन ले। तू बड़ा साधु है विभीषण, जा फिर जाकर देख ले।